मैंने सपना देखा। क्या सपना? डैडी का। क्या कहते डैडी सपने में? नहीं, सपना आया था डैडी का। क्या बोले थे सपने में डैडी? सपने चोर थे वे जब तक का। और आप? मुझे सपना आ गया था। अच्छा, तो वंदना को रात आ गया सपना। मम्मी जब हम कहीं गुड मॉर्निंग। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? ऐसा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना फार्म ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। मम्मी, मैं चूड़ी दिखाऊं? तो ये देखो, प्यू दिखा रही है अपनी काली चूड़ी। तो मैंने ऐसा काली चूड़ी बना रखी, एक इसकी विसंगी इस वाले हाथ की, तो दो दो पहनाई थी मैंने सर। तो इसको नहीं खरीदवाऊंगे अब, क्या जब सामान लेने जाओगे ना तो नई वाली लावेंगे। गोरी के लिए भी लावेंगे और आपके लिए भी, ठीक है? ये देखो, एक तीन की याद में। क्या बनाऊंगे आज? आज क्या बनाऊंगी मम्मी? आप बताओ क्या बनाना है। मम्मी आप बता दो एक बार। आप बताओ एक बार क्या बनाना है आपके लिए। मम्मी कैसे हो? रोल रोल वाले डोनट चिक्के वाले बना दो आप। अच्छा तो मुझे भी नहीं पता डोनट क्या हो। नहीं, चिक्के वाले डोनट मैं फोन में देखूं। फोन में देखो चिक्के वाले। चिक्के वाले तो देखूंगी मैं, क्या बोल लिया फोन में ट्राई करके। तो जब बना वाले सिक्के वाले, तो ये ले रही है सिक्का। कहाँ जाना था सिक्का लेके? नहीं बट्टा, नहीं। गोरी क्यों रो रही है आज बहुत ज्यादा? उसके पेट में दर्द हो रहा। तो भाई आज फिर मारी गोरी रो रही है, बहुत ज्यादा रो रही गोरी है। अब जो सोई सुबह से 12 बजे से, अब सोई है 4 बजे। और अभी काम किया मैंने, अभी चाय बनाई, रोटी भी अभी खाई आज सुबह से, है ना, 4 बजे। हाँ? और अब जो हमने चाय पी और अब करेंगे हम काम। तो गोरी सो रही है, 450 ऊपर हो गए। पूजा शाम को करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी की खीर, क्योंकि हमें ना बहुत ज़्यादा शौक है मीठा खाने का, तो कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं हम। तो आज मन किया है सूजी की खीर बनाने का। तो गोरी भी रो रही है, तो इसीलिए झटपट से भी बन जाएगी। तो सूजी मैंने भून कर रखी हुई थी, तो चलिएगा अब देखते हैं। दूध में उबाल लगा लेते हैं सबसे पहले, और फिर बनाएंगे सूजी की खीर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। तो मैंने गैस पर दूध उबलने के लिए रख दिया है, तो तब तक हमारा दूध भी उबल जाएगा। और सूजी को मैंने भून लिया है, तो उसका हल्का सा ही कलर चेंज किया है। और दूध को मैं अच्छे से उबाल लगा लूँगी, गाढ़ा कर लूँगी, तो उसके बाद में उसमें थोड़ी थोड़ी सूजी डालूंगी, तो दिखाऊंगी मैं आपको। देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे दूध में उबाल आने वाला है। तो मैंने दूध चढ़ा दिया था पहले ही गैस पर, तो हमारे दूध में उबाल आ गया है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ साथ साथ में थोड़ा सा मीठा चीनी डाल देती हूँ। तो सबसे पहले मैं डाल लेती हूँ दूध चीनी। ड्राई कर ली थी मैंने सूजी, तो सूजी हमारी अच्छे से भून के होगी तैयार और ठंडी भी होगी। तो इसको मैंने पहले ही भून के रख दिया था, तो बीच में गई थी मैं कुछ काम करने के लिए, तो हमारी सूजी भी ठंडी जाएगी। और अगर हमारे दूध में उबाल आ चुका है और चीनी भी डाल दी है, तो तब तक हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट होगी। तो उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी सूजी। तो दूध को करना है मुझे हल्का सा गाढ़ा, बिल्कुल गाढ़ा सा। तो उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी सूजी, क्योंकि तभी खीर गाढ़ी ऐसी लगनी चाहिए कि जैसे कि हमने इसमें मावा निकाला हो, मावे जैसी खाने में। और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करूंगी, तो ड्राई फ्रूट्स निकाल लेती हूँ, तो तब तक हमारा दूध भी कट कर हो जाएगा तैयार। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो आज किया है कुछ मीठा खाने का, वैसे तो हम कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं मीठा। तो वंदना के डैडी को भी, मुझे भी और प्यू को भी बहुत ज़्यादा पसंद है मीठा खाना, तो इसीलिए हम बनाते रहते हैं। तो हमारे दूध में अच्छे से भी खट्टे लग रहे हैं।
तो अब की बार बना रही हूँ कुछ अलग से तरीके से। तो इसमें मैंने डाल दिया थोड़े से मखाने रोस्ट करके, हल्के से घी में भून के इसमें डाल दिए। और ये सूजी को मैंने घोल लिया है दूध में, क्योंकि जो मैं ऐसे डाल लूँगी ना, पिछली बार ना हल्की हल्की गांठें पड़ गई थी, तो इसलिए मैंने इसे चम्मच से घोल लिया। तो अब धीरे धीरे से मैं इसमें डाल दूँगी। देखने में हमारी खीर भूखो और भी ज़्यादा अच्छी लगी। तो खीर बन के हमारी हो चुकी है तैयार। और मैंने गूंथ लिया है, छान लिया है सॉरी आटा भी। तो अब मुझे गूंदना है आटा और फिर करूँगी पीछा साफ आटा गूंदना। देखो जी, हमारी खीर बन के हो चुकी है तैयार और गैस को कर देते हैं हम बंद। और देखिएगा कितनी अच्छी बनी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खीर खाने के लिए। तो अब मैं इसको ठंडी करके सबसे पहले देऊंगी पीयू को, क्योंकि पीयू के डैडी अभी नहीं आए हैं ड्यूटी से, तो वे आते हैं 6 बजे। तो उनको तो ठंडी ही अच्छी लगती है, मुझे और पीयू को गरम गरम से अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट्स कर ज़रूर बताना आपको खीर ठंडी या गर्म में कैसी अच्छी लगती है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे। तो एक फ्रेंड्स का तो खास कर से ही आ रहा था कि आपके पशु अलग है या नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारे पशु है अलग। तो हमारे पास है चार गाय। तो एक गाय जो काली वाली है वो देती है दूध, और जो उससे छोटी है भूरी वाली, तो उसका नाम है हनी। तो वो है प्रेग्नेंट 6 मंथ की। तो हमारी वो वाली अभी दूध नहीं देती। तो एक है उससे छोटी, तो वो अभी तो छोटी है, और है जो एक गाय के नीचे चूमती है दूध देती है, उसे दूध पिला देते हैं हम और अपने लिए निकाल लेते हैं जो हमें ज़रूरत होता है। और इधर गोरी कर रही है, इस पे बस यही आता है गोरी में। तो आप लोगों का जो सवाल था उसका जवाब मैंने दे दिया है। तो हमारे पशु है अलग, तो हम उनका चारा वगैरह सब कुछ अलग करते हैं, और खाना भी हम अपना अलग बनाते हैं। तो आप लोग समझ सकते होगे, तो परिवार में थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती रहती है, मन मुटाव थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बोल रहे थे कि पीयू को नीचे नहीं जाने देते, ऊपर ही ऊपर रखते हो, और पीयू को उन्होंने बर्गर बनाए दिए नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब कुछ बनाया जाता है तो दिया भी जाता है। हम बनाओ चवे तो पहुँचाते ज़रूर है, लेकिन थोड़ा या ज़्यादा पहुँचा देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम अपने और उनके बच्चों को पूछते नहीं। पूछते तो है, वे भी पूछते हैं और हम भी पूछते हैं। तो हम बस थोड़े सी उसकी वजह से अपना खाना अलग बना लेते हैं, और बच्चों में हमारे कुछ भेदभाव नहीं है। पीयू आती जाती भी है, वो ये हर टाइम तो हम अपना कैमरा उठा के नहीं फिरेंगे कि इनके बच्चों की वीडियो बनाए, हम इनकी बनाए, हम इनकी बनाए। तो सर्दी का मौसम चल रहा है, बच्चे ज़्यादातर अंदर ही रहते हैं, तो अपना अंदर ही खेलते रहते हैं। तो इसीलिए हम भी इतने काम करना जो किया और फिर अंदर, तो इसीलिए इतना व्लॉग भी नहीं बन पा रहा सर्दी की वजह से, क्योंकि आप समझ सकते होगे। तो आप फ्रेंड्स पहले से ही समझदार होगे तो समझ सकते हैं कि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से बच्चे ना बाहर निकलते। और पीयू को देखो मैंने कितना सारा सामान दे रखा है,
तो आज बेड से चादर उठा दी मैंने, तो उसको मुझे धुलना था, लेकिन क्या करें आज काफ़ी टाइम हो गया है। हमारे एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया हुआ था पंजाब से, तो उनसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चला। तो चादर तो कल धुल जाएगी क्योंकि अब हो गया है ठंडी का टाइम, तो बच चुके हैं दो। तो ये देखो इसने कूड़ा कागज फाड़ के क्या हालत कर रखी, और बेड पे देखो कितने सारे खिलौने, गुड़िया टैडी और एक तकिया पिचकारी और भी बहुत सारे हैं, कुर्सी वाला टैडी, पता नहीं कितने सारे खिलौने लेकर बैठी है। और फिर भी इसको ये कम पड़ जा मैडम जी को, है ना। और आज फिर इसने बेड में से निकलवाया है एक गुड्डा, कौन सा निकलवाया, ये वाला। इसकी कुर्सी कहाँ है, कुर्सी पर बैठा कर दिखाओ इसको, कैसा है आपका गुड्डा। देखो ये वाला टैडी दिया था मैंने इसको निकाल के, और इससे खेलती रहती है ये, और एक गुड़िया दी थी मैंने इसको निकाल के, तो आज ये बेड में से फिर निकलवाया। मैडम जी को बस खिलौने चाहिए, पढ़ने को काम देती हूँ, होमवर्क देती हूँ, तो करना नहीं। जब स्कूल जाया करोगे ना, जब पता चलेगा आपको, जब मैडम रोज काम देगी। और ये मेरा गोरा बच्चा, ये मेरा गोरा बच्चा है, ये गोरा बच्चा है भाई, क्या कर रहा है भाई, गोरी गोरी। तो ये आवाज़ मारते ही देखती है हमारी गोरी गुड़िया। और इस मैडम जी को देखो, इस छोटी सी कुर्सी पर खुद ही बैठ गई।